मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी ये ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता। 16/12/2023 को मैं 6 Diamond 60 के चेयरमैन क्लब कंप्लीट करने वाला हूँ, ये मेरा गोल है। आपका अगर कोई गोल है तो लिखिए, अनाउंस करिए और फील करिए, आपकी लाइफ में जादू हो जाएगा। आज का सेशन था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा पॉइंट आप लोगों ने लिखे हैं। 3-4 बातें मैं आपको बताता हूं, आपकी लाइफ 360 डिग्री पे घूमनी तय है। तय मतलब वो घूम जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लिखिए एक लाइन, जिस काम को आप काम करते हो, चाहे जॉब, चाहे शॉप, चाहे शोरूम, कुछ भी करते हो, उस काम से उतना प्यार करो जितना भगवान से करते हो। ये लिखो लाइन, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी बढ़ती है जब आप किसी चीज को सेल करते हो, जब आप जिस प्रोफेशन में हो उस कस्टमर को अटेंड करते हो और वो कस्टमर अटेंड हो जाता है। ये भगवान से बात करने से भी ऊपर का लेवल है, ये बड़ा बड़ा लिख लो। अगर आप काम से प्यार करते हो तो आपकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती। कुछ लोग सुबह उठते हैं, आज फिर काम पे जाना पैना स्यापा। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, हम लोग ना 20 साल से एजेंसियां चला रहे हैं, मेरे पास जब कोई एम्प्लाई आता है, जो इंसान सुबह और शाम को टाइम देखता है कि मैंने इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, और कोई कस्टमर हो या ना हो, वो अपना टिफिन उठा के चल पड़े कि सर मेरे को घर जाना है, तो लिखिए वो इंसान सारी जिंदगी जॉब करेगा। बड़ा बड़ा लिखो, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकेगी। वो 40 साल के बाद भी आपको उसी जॉब पे मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। नंबर 2, जो इंसान कभी टाइम नहीं चेक करता है, उसके मालिक ने उसको काम बोल के भूल गया और वो काम हो जाएगा, वो बंदा कभी जॉब नहीं करता है। ये बड़ा बड़ा लिखो, मेरे को 10 दिन के बाद पता होता था कि ये बंदा ज्यादा देर नहीं रहेगा हमारे पास, ये बिजनेस करेगा, ये जॉब के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ माइंड सेट है आपका। अगर आपने काम से प्यार करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नंबर 2 लिखिए, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है आइडियल वेट। आइडियल वेट फैट से मसल 1.5 गुना, अगर ये आप नहीं कर पाए हो तो आप लाइफ में उतना पॉजिटिव कभी नहीं रह पाओगे, जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी कीमत पे नहीं पर रह पाओगे, क्योंकि ये आपका शोरूम है। अगर यही प्रॉब्लम में है तो आपकी आत्मा प्रॉब्लम में है। नंबर 3 लिखिए, जिस इंसान से बात करने के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, चाहे वो आपका फादर है। अगर जिंदगी चेंज करनी है, चाहे वो आपका कोच है, कोई भी है, अगर आप उससे बात करते हो और वो बोलते हैं आपसे नहीं हो सकता, आपसे नहीं होना ये काम, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो इंसान बोलता है ये नहीं हो सकता, एक्चुअल में उससे नहीं हो सकता। उसको लगता है मेरे से नहीं हुआ तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। अगर वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और उससे होगा भी नहीं, लेकिन वो आपके बारे में बोल रहा है कि आपसे नहीं होगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको तो वो जानता ही नहीं है कि आप क्या चीज हो। आपके बारे में उसको कभी पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि आपके बारे में तो आपको ही पता है। और जिस इंसान से बात करने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिस इंसान से बात करने के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो किसी ऐसे इंसान को फोन करते हो और आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल गया हूं, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, फिर भगवान को कहीं और मत ढूंढना, वो आपके अंदर ही है, उसको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत पावरफुल हमारा सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, लेकिन हम लोगों ने इसको डस्टबिन बना रखा है। जो आ रहा है हम लोग खा रहे हैं, जो हमारा दिल करता है गलत हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चेंजेस। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, ये सब करने के लिए कौन सी डिग्री है आपके पास कोई मैटर नहीं करता है। आप गोरे हो या काले हो कोई मतलब नहीं करता है, आप अरबपति हो या आपके पास 10 रुपए भी नहीं है कोई मतलब नहीं करता है, लेकिन आप गरीब पैदा हुए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर गरीब गए ना तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ आपको, और 16 साल की एज में आप कितने सुंदर लगते थे ये कोई मैटर नहीं करता है, 60 साल की एज में कितने सुंदर लगोगे ये सिर्फ आप पे ही मैटर करता है, ये किसी और पे मैटर नहीं करता है। खुद को बदलना है। 2 लाइन मेरी तरफ से लिखिए, जिस इंसान का खाने पे कंट्रोल है, जिस इंसान का बोलने पे कंट्रोल है, क्या नहीं खाना है इस पे कंट्रोल है, ये नहीं कि खाने पे कंट्रोल है, अपने आप को वो रोकने की पावर रखता है जो उसकी सबसे फेवरेट चीज है और वो ना खाए, और जब उसका दिल करे कि अब मैंने ये बात कहनी है और वो रोक जाए
तो लिख लो एक लाइन, वो इंसान इस पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता है, पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। भगवान ने कोई कमी नहीं बनाई है हम में, जितने लोग इस कॉल पे बैठे हैं वो सारे आइडियल वेट पे आ सकते हैं, फैट से मसल डेढ़ गुना कर सकते हैं और इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ही बनना आपका तय है, लेकिन जिस दिन ये बात समझ आ गई कि काम आपको खुद पे करना है, खुद पे, ना वाइफ पे, ना बच्चों पे, ना लोगों पे, ना शहर पे, ना दुनिया पे, एक ही इंसान पे काम करना है, वो हो आप खुद। एक बार एक ऑफिस में एक बंदा था और उसको एक लेटर आई कि कहता तेरा जो दुश्मन था ना, जो तेरी ग्रोथ नहीं होने देता था, वो मर गया है, कल उसको दफनाना है और आपने इतने बजे वहां पे ना, जहां पे लोगों को दफनाया जाता है वहां पे पहुंचना है। वो बंदा हैरान हो गया, कहता मेरा कोई दुश्मन था इस ऑफिस में जो मेरी ग्रोथ नहीं होने देता था, मेरे को पता ही नहीं था। और वो कहता मैं जरूर जाऊंगा देखने, वो कौन है साला, मेरे को तो पता ही नहीं था, वो मर ही गया है तो मैं देखने जाऊंगा, लेकिन मेरे को तो आज तक पता नहीं था मेरा कोई इस दुनिया में दुश्मन है जो मेरी ग्रोथ नहीं हो रहा। कहता मैं तभी सोचता था मेरी ग्रोथ क्यों नहीं रही, मैं इतना बढ़िया काम करता हूं। जब वो वहां पे गया तो उन्होंने वहां पे वो खड्डा खोदा हुआ था 4 फुट बाई 6 फुट, उसमें मिरर रखा हुआ था। जब उसने देखा ना ऐसे करके, खुद की ही शक्ल दिख गई उसके, कहते वो कल मर गया है, अब तू तरक्की कर जा, तेरी ग्रोथ रोकने के लिए इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तेरे को 4:30 बजे उठना है, तेरे को 4:30 बजे उठना है, उसके बाद तूने फ्रेश होके, फ्रेश लेके भगवान का नाम लेना है 20-25 मिनट एक्सरसाइज करनी है, और फिर इस कॉल पे नहा के कॉपी पेन लेके बैठ के लिखना है, कैमरा ऑन रखना है, 10 महीने सारा न्यूट्रिशन लेना है, और उसमें जो भी फिजिकल मीटिंग हो उसको अटेंड करना है। इसमें किसी का क्या रोल है? इसमें क्या रोल है कि आप कितने पढ़े लिखे हो? इसमें क्या रोल है कि आपकी एज कितनी है? इसका हमें क्या मतलब है कि आप बहुत, दुनिया मेरे को कहती है मेरा घर वाला कहना नहीं मंदा सर, मेरा कोई साथ नहीं दिंदा। सारे तू अपना साथ दे दे, देख तेरा सारी दुनिया साथ, मेरा भी नहीं साथ दिया किसी ने। अब 2500 रुपया दे के सुनते हैं लोग मेरे को, और यहाँ पे बैठे हैं 3-4 करोड़ रुपया दे के, 3,71,000 × 1,000 करो, जीरोएं खत्म हो जाएंगी कैलकुलेटर की, यहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने कौन सा घरवाली पे काम किया है के बच्चों पे किया, मैंने खुद पे काम किया है। खुद सीखने के लिए रेडी हो जाइए, खुद बदलने के लिए रेडी हो जाइए। आपके चारों तरफ 500 लोग ओवरवेट हैं, 500 लोग नेगेटिव हैं, आप बन जाओ ना मॉडल, और उन 500 में से एक को डाइट मत दो। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं, 800 करोड़ लोग, निकलो तो सही सुंदर बन के। वीना मैम ने बोला आपके पूरे खानदान में, आपके शहर में आपसे सुंदर इंसान नहीं होना चाहिए आपकी एज का, कर दो ये, और ये कौन करेगा? पॉजिटिव ही हो जाओगे आप, सारी दुनिया बोले नहीं लेना। मैंने एक ही ट्रेनिंग अटेंड की थी हर्बल लाइफ की, मेरे को बात समझ आ गई कि यार ये तो जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है, लोग खुश कितने हैं, कितनी प्रॉब्लम लोगों की चेंज हो गई है, खाना पीना के जिंदगी बदल गई है। ये बंदा पहले 60 साल का लगता था, अब अनमैरिड लगता है, तो फिर भी हमें लोगों से पूछना है कि ये मैंने लेना है कि नहीं लेना। फिर भी हमने लोगों से पूछना है, उन लोगों से पूछना है जो सारे हॉस्पिटल इतने इतने बड़े बॉक्स मेडिसिन के लगा रहे हैं और दिन रात आपके सामने हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो बताएंगे मेरे को क्या खाना है? लिखो एक लाइन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, अभी 3 समोसे खाओ, कॉफी पियो, 11 बजे बनाएगा ये तजाब, ये बॉडी 11 बजे ही बोलेगी चल हॉस्पिटल, सारे बंदर क्या किया तूने, ये टाइम नहीं लगाती है, ये परसों नहीं बताएगी अगर आज गलत खाओगे, अभी खाओ 3 समोसे और 1 कप कॉफी पियो साथ ही, और 15 मिनट के बाद देखो पसीना आ जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, ऐसे लगेगा साला अंदर कंप्यूटर चल पाया, जनरेटर चल पड़ा, और शेक पी के देखो। किसी से पूछोगे आप ये सेफ है या नहीं सेफ है? मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, किसी की बात मत सुनो। 10 साल से अलार्म लेकिन बजने से पहले उठते हैं हम लोग, और हमें ये ब्रेन उठाता ही नहीं है कि आप इस कॉल पे, मेरी ना आज कॉल 10 मिनट नहीं लगी, क्लैपिंग कर दो, 10 मिनट 1000 हो गए, मैं दूसरी कॉल पे बोल रहा था, उधर 3-4 मिनट ऊपर हो गए, मैंने जितने को फोन किया ना बंद करके सारे डिलीट कर जिनके कैमरे बंद है, कम से कम 100 लोगों को डिलीट करने के बाद मैं 14 मिनट के बाद इस कॉल पे एंटर हुआ हूँ, और मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ 12/6/2024 के बाद इस कॉल पे सिर्फ 371 वाले लोग होंगे, एक भी कैमरा ऑफ नहीं होएगा, एक सिंगल कैमरा भी ऑफ नहीं होएगा इस कॉल पे, ये मेरा प्रॉमिस है। बताएंगे हर वाला कैसी करनी है, अभी तो रुक जाओ आप 3-4 महीने, अनाउंस हो जाने दो सारे प्रेजिडेंट टीम जो 7-8 लाइन में है, बताते हैं कैसे चलती है हर वाला। आपको जिंदगी बदलनी है, और इससे पॉजिटिव तरीका, इससे खुश रहने का तरीका, भगवान ने, विष्णु भगवान ने आपको पावर दे दी है। लिखो एक लाइन, जिसको मर्जी
सुंदर बना दो, जिसको मर्जी अमीर बना दो, बताना मत किसी को, जिसको मर्जी सुंदर, जिसको मर्जी अमीर। और फिर भी आपको ये पता ना चले कि मैं सुंदर बन सकता हूं, जब भी कुछ करने के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो तो वो काम दोबारा मत करिए। जिस काम को करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है वो दिन में 100 बार करो, आपको पता चल जाएगा ये जिंदगी कितनी आसान है। और सुबह उठ के 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, नहीं तो ये ब्रेन है ना जो डिप्रेशन में चला जाएगा। जहां पे मेरा जन्म हुआ है ना, उसके घर के बिल्कुल साथ जो दीवार सांझी है, वो मंडी के बाजार में सबसे बड़े अमीर सेठ थे, सेठ सीताराम। वो तो दिल्ली रहते थे, हमारे घर के साथ थे, और मैं हमेशा कहता रब्बा साला एक कान तो उधर सिट देता, क्या फर्क पड़ना था तेरे को, एक दीवार उधर पैदा हो जाते। लेकिन अब पता चला उनको भी क्रॉस कर देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने बोला था पैदा तेरे को इसमें किया है, साले इससे बड़ा कर, पावर तेरे को मैं दे दूंगा, ये आप सब कर सकते हो, ये कोई जादू नहीं है। 20-25 मिनट भगवान का थैंक यू करिए, और 20-25 मिनट सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा बोलोगे एनर्जी कम हो जाएगी, बुरा सोचना नहीं है एनर्जी कम हो जाएगी, बुरा करना नहीं है एनर्जी खत्म हो जाएगी। और अगर आपने ये ना किया तो भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, आप खुद भगवान बन जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। थैंक यू आपका सबका, बहुत बहुत थैंक यू मनप्रीत जी।